श्री कटरा रामलीला कमेटी का यह आयोजन हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष भी यहां आस्था और श्रद्धा का अनोखा संगम देखने को मिला। श्री कटरा रामलीला कमेटी ने राम वाटिका परिसर में विधि विधान से भगवान श्री राम और उनकी लीला का पूजन किया। यहां पर दशानन रावण के मुकुट का भी पूजन करते हुए मंत्रोच्चार किया गया। इस पूजन का उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि दशहरा को सकुशल संपन्न कराने की ईश्वर से कामना भी थी। यह अवसर केवल धार्मिक आस्था का नहीं बल्कि सामूहिक एकता का भी प्रतीक है। इस अवसर पर शनिवार को होने वाले रावण की शोभा यात्रा के विषय में भी चर्चा की गई। यात्रा की तैयारियों पर सभी ने अपने अपने विचार रखे। दशहरा हमारा एक ऐसा पर्व है जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस बार की शोभा यात्रा और भी भव्य होने जा रही है। आज कटरा रामलीला कमेटी ने अपने दशहरे के कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। भगवान श्री राम लक्ष्मण और चारों भाइयों के मुकुट का पूजन किया है। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने रावण की भी मुकुट का पूजन किया है। 28 तारीख को हमारा रावण की भव्य शोभा यात्रा भरद्वाज ऋषि मुनि आश्रम से निकलते हुए अपने पूरे मेला क्षेत्र में भ्रमण करते हुए कटरा रामलीला कमेटी के प्रांगण में समाप्त होगी। दिनांक 7 तारीख को कटरा रामलीला कमेटी भव्य राम बारात का शुभारंभ करेगी। वो भी हमारा भरद्वाज ऋषि मुनि आश्रम से ही प्रारंभ होगा और दल 10 तारीख को हमारा भव्य राम दल पूरा निकलेगा, जो कि कटरा चौराहे को भ्रमण करता हुआ रामलीला कमेटी के प्रांगण में ही समाप्त होगा।